हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखे हुए हैं और रेगुलर स्टडी भी करने लग रहे हो, तो वेलकम इन आवर क्लास स्टूडेंट्स. आज हम करेंगे अपने हमारा जो टॉपिक था द नॉर्थन माउंटेन्स, द पीपल ऑफ नॉर्थन माउंटेन्स, जो वहां के लोगों का सिस्टम क्या है, खाना पीना रहना, वो सब हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, और स्टेट कौन कौन से थे हमारे, मैं आपको बता देती हूँ, आपको आसानी होगी. और वैसे भी हम इस बारे में कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. स्टूडेंट्स, आपको ये स्टेट जो हमारे नॉर्थन माउंटेन के हैं, ये स्टेट आपके टिप्स पर लर्न होने चाहिए आपको बिल्कुल, कि हमारे ये स्टेट कहाँ पर है. नॉर्थन जो माउंटेन है, नॉर्दर्न माउंटेन है, उसके अंदर कवर होते हैं. मैं आपको आराम आराम से अभी बता देती हूँ. जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी अब यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख भी है, दो यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये वाला हिस्सा है. हिमाचल प्रदेश स्टेट है, किससे, जम्मू कश्मीर के साउथ में, उसके साथ में है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ में है नेपाल, नेपाल हमने छोड़ दिया है, ये नेपाल दूसरी कंट्री है, और इधर भूटान है, उसके बीच में क्या हमारा सिक्किम, सिक्किम सिक्किम के इधर भूटान है, भूटान से आगे क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश, और फिर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये हमारे इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेट्स हमारे नॉर्थन माउंटेन को कवर करते हैं. इन स्टेट के अंदर नॉर्थन माउंटेन वो है. और तो स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर रीड कर चुके हैं, इसका क्वेश्चन आंसर भी राइट कर चुके हैं. अब चलते हैं आपको हमारे अपने जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हम वो फिल करेंगे इस चैप्टर के. तो स्टूडेंट, आर यू रेडी? करते हैं, क्योंकि आपको जब ये सब चीज आ गए, इनका कल्चर, ऑक्यूपेशन है, ड्रेस है, इनकी इनकी लैंग्वेज है, वहां की क्या मतलब स्टेट की कैपिटल क्या है, जब आपको सारा हो गया है, तो अब जब चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स या क्वेश्चन करते हुए भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती. तो स्टूडेंट, आर यू रेडी? तो स्टूडेंट, ये हमने कल फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे, अब हम इसके साथ साथ कर लेते अपने जो ये हमारे मैच द फॉलोइंग, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये कहाँ का है, ये है मिजोरम का. किस स्टेट का है ये? मिजोरम का. ये क्या कहाँ का है? नागालैंड का आदिवासी है, जो ट्राइबीज है वहाँ के, वो करते हैं, जो नागा डांस करते हैं, वो है. पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर का है. कहाँ का डांस है? कश्मीर का. और ये है हिमाचल प्रदेश, लॉन्ग गाउन और सर पर स्कार्फ है इनका, ये इनकी ड्रेस है वहाँ की, ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको. और ये है मणिपुरी, कौन सा डांस है ये? मणिपुरी डांस है. मैं आपको बता देती हूँ, मणिपुर का डांस है ये. इसको क्या, इस डांस क्या बोलते हैं? मणिपुरी. ये क्या है? मणिपुरी, मणिपुरी डांस है. कहाँ का? मणिपुर का. और ये हिमाचल प्रदेश का, इस डांस को क्या बोलते हैं? नट्टी. क्या बोलते हैं? नट्टी. जो ये डांस है, ये नागालैंड का है, इसको बोलते हैं वॉरियर डांस. क्या है ये? वॉरियर डांस, यानी कि जो योद्धा होते हैं, जो लड़ाई करते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो डांस है ये, जो आदिवासी ये कर रहे हैं. और ये है कश्मीर का डांस. कहाँ का? कश्मीर का. कश्मीर का डांस का क्या है? रूफ. ये डांस कहाँ का है? कश्मीर का, इसको बोलते हैं रूफ. और ये डांस है हिमाचल का, जिसको बोलते हैं नट्टी.
और मणिपुर, ये है मणिपुर का डांस, इसका बोलते हैं मणिपुरी डांस। और ये डांस है नागालैंड, नागालैंड का है वॉरियर डांस होते हैं। इनके हाथों में त्रिशूल होते हैं, त्रिशूल या फिर जो क्या बोलते हैं इनको, एरो वगैरह होते हैं ना, वो चीजें होती हैं जो युद्ध के समय इनके जो यूज करते हैं, जो आदिवासी पहले यूज करते थे, जो ट्राइबीज है वहां की, कहाँ की, नागालैंड की। और ये है मिजोरम, कहाँ की है ये, मिजोरम। मिजोरम में क्या ज्यादा होते हैं, बैम्बो ज्यादा होते हैं, बैम्बो ट्रीज ज्यादा होते, प्लांटेशन होती है वहां की बैम्बो पर। और वहां पर का क्या फेमस है, वहां की जो ये बास्केट टोकरियां वगैरह बनाई जाती है ना बैम्बो की, और जो वहां के जो फर्नीचर है वो भी फेमस है कहाँ का, मिजोरम का। और वो क्या है, बैम्बो डांस करते हैं। ये देखो इनके पैरों के नीचे क्या है, ये लकड़ियां हैं, वुड है किसकी, बैम्बो की, और इस पर डांस करते हैं। तो ये कहाँ का है, मिजोरम का। हमने अपने चैप्टर में भी रीड किया था, आपको पता होना चाहिए कहाँ का डांस कहाँ का है। अब हम कर लेते हैं चूज करेक्ट आंसर। फेमस फॉर शिकारा, शिकारा कहाँ पर फेमस है, कौन सी जगह पर, जहां पर डल लेक है, और डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर में। फेमस फॉर शिकारा, शिकारा जिसको जिसको बोलते हैं ना, वो फ्लोटिंग मार्केट शिकारे के अंदर होती है, ठीक है, वो कहां पर है, श्रीनगर में। नेक्स्ट है हमारा फेमस फॉर केसर, केसर कहां पर उगाया जाता है, कश्मीर में, कहां पर, कश्मीर में, कहां पर उगाया जाता है, कश्मीर में, फेमस फॉर केसर। अब नेक्स्ट है हमारा फेमस फॉर केन एंड बैम्बो, जो बैम्बो के लिए है वो कहाँ, कौन सा स्टेट फर्नीचर, और केन एंड बैम्बो फर्नीचर के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा। फेमस फॉर पेपियर मैच, पेपियर मैच चीज किसके लिए फेमस है, कश्मीर में। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखो अभी हमने पढ़ा था ना, ये नागा डांस है, ये वॉरियर डांस है, ये डांस है नटी, क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है, पेपर मैक, ये जो डिजाइन है ये, इसको क्या बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट आर्टिकल विद वुड और पेपर मैक, ये देखो इसके पीछे ये सब स्टेट। ये देखो अभी बताया था ना शिकारा, फ्लोटिंग मार्केट है कहाँ पर, दल झील में है। हमने चैप्टर अच्छे से रीड कर चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बहुत सारी चीजें तो आपको पिक्चरों से भी समझ में आती, इसलिए चैप्टर जब रीड करते हैं तो एक बार मैं इसलिए आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ कि आपकी याद रहे। कश्मीर की ये ड्रेस है, ये कांगरी है कश्मीर की, हम ये चैप्टर रीड कर चुके हैं। ये डांस है हिमाचल प्रदेश का, ये देखो सिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस जो बैम्बो के ऊपर होते हैं। ये फॉल्कन सिटी कहाँ का है, नागालैंड का है, ये भी सब नागा ड्रेस। ये बैम्बो डांस आ गया, देखो नीचे बैम्बो है ना ये। अब त्रिपुरा में किसके होते, कैन एंड बैम्बो फर्नीचर, टोकरियाँ वगैरह बनाई जाती है, बास्केट्स वगैरह, तो ये सब किसके लिए होते, बैम्बो से होते हैं ये सब।
और यहाँ गारिया डांस, त्रिपुरा का क्या डांस है? गारिया डांस। आपको हर स्टेट का डांस है, कैपिटल है और फेमस फॉर वो आपको लर्न होना चाहिए। अभी हमने ये कर रहे थे, फेमस फॉर टी गार्डन। टी गार्डन किस लिए फेमस है, कहाँ पर है? दिल्ली, मणिपुर या दार्जिलिंग? तो दार्जिलिंग है ना, जो बंगाल का कुछ पार्ट में है, जो वेस्ट बंगाल है, जो सिक्किम के साउथ में है, वहाँ पर है दार्जिलिंग। और किस लिए फेमस है? टी गार्डन के लिए। वर्ल्ड में फेमस है, क्या? दार्जिलिंग की चाय होती है, वो वर्ल्ड में फेमस है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी ये एक्टिविटी। आपको ये नोटबुक में करनी है, आपको ये ऐसे ही लिखकर, कश्मीर की कैपिटल क्या है, डांस क्या है, ड्रेस क्या, क्रोप और डिश और हैंडक्राफ्ट, मतलब कि वो हाथों से जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं बिना मशीन के, वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। ऐसे ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, आपका ये इन स्टेट का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है ऐसे ही। ठीक है, ये आज का होमवर्क भी है आपका। आपको ये ऐसे ही बना के एक चार्ट के ऊपर और ऐसे ये बनाना और उसकी फोटो बनाकर मेरे पास भेजनी है। ठीक है स्टूडेंट, हर स्टेट की कैपिटल, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, वहाँ का डांस क्या है, डांस का नाम, ड्रेस है, क्रोप है, डिश है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम पर लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने जो हमारे चैप्टर है द लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्थन माउंटेन, और ये चैप्टर हमने रीड किया था। इसके बाद फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, आज हमने इसकी बैक एक्सरसाइज किया है। तो इसके साथ आज एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, आप एक चार्ट बनाइए और हर स्टेट को उसका, जैसे मैंने आपको अभी बुक में दिखाया था, ऐसे ही आपको चार्ट पे लिखना है और आपको जैसे वो लर्न, और आपको अपने रूम में उसको टांग लेना है, क्योंकि वो उससे आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा कौन से स्टेट का क्या कैपिटल है, कौन सा फूड आइटम है, क्या ड्रेस है। तो स्टूडेंट, आपको ये एक्टिविटी करनी है, ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।